नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की एक ग्राम पंचायत ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए मुस्लिम और ईसाइयों व्यापारियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे गांव में इसके पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों का ग्राम पंचायत में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। पूरा मामला पंचायत के धौरा धतूरिया का है, जहां गांव के सरपंच और बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबलू यादव ने पंचायत में बैठक में प्रस्ताव रखा था, जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए मुस्लिम ईसाई के व्यापारियों के एंट्री पर बैन करने की बात कही गई थी। जिसके बाद गांव में आने के लिए व्यापारियों को आधार कार्ड दिखाने का पोस्टर लगाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव से पोस्टर हटाए गए और लोगों को इस बारे में समझाइश दी गई। ये लोग हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं और ये धर्मांतरण करके हमारे हिंदू समाज को और हमारी सनातन संस्कृति को कमजोर करना चाह रहे हैं। इसलिए ग्राम पंचायत का मैं सरपंच होने के नाते जो सरपंच के अधिकार है, गांव में अगर कोई भी आता है तो हम उनका आधार कार्ड देखेंगे। आधार कार्ड के माध्यम से देखने के बाद ये व्यक्ति कहाँ का है, कौन समाज का है और ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया है या हमारी भोली वाली जनता को फंसाने के लिए आया। इसलिए हमने ये पहल हमारे गाँव से प्रारंभ की है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, गांव में कुछ इस प्रकार के पोस्टर लगे हैं कि अन्य समुदाय के व्यापारियों को यहाँ ना आना मना है, उनके आधार कार्ड वगैरह चेक किए जाएंगे। तो नायब तहसीलदार के साथ यहाँ आकर मौका निरीक्षण किया गया, लोगों को समझाइश दी गई है और नायब तहसीलदार द्वारा पोस्टर हटवाए गए और पंचनामा बनाया गया। लोगों को समझाइश दी गई है इस तरह के पोस्टर न लगाएं जिससे वर्गों में व्यवस्था उत्पन्न हो। और हमारे सहयोगी हरिशंकर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिशंकर, ये जिस तरह की बातें यहां पर कही गई सीधे हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ थी, क्या कोई कार्रवाई की बात भी कही जा रही है या केवल समझाइश के बाद इस मामले को खत्म किया गया है? देखिए, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अशोकनगर जिले में ऐसा पहला मामला आया है। दरअसल यहाँ पर अभी तक कभी भी दोनों पक्षों में किसी कोई विवाद नहीं सुना गया है, लेकिन अभी ये जो गांव है धौरा, वहाँ के जो सरपंच ने एक ग्रामीणों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा कि जो लव जिहाद है और जो मुस्लिम लोग या ईसाई लोग जो लव जिहाद कर रहे हैं हिंदुओं के लड़कियों के साथ, तो इस तरह से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा गांव में और उस प्रस्ताव को सबने मान भी लिया और इसी तरह उन्होंने बैनर पोस्टर छपवाए और पूरे गांव में बैनर पोस्टर लगा दिए। जो गली के मुख्य चौराहे थे, गलियां थी, वहां पे बैनर पोस्टर लगवा दिए कि जो मुस्लिम व्यापारी हैं या ईसाई व्यापारी हैं, इनमें जो कबाड़े वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं या साइकिल से जो भी छोटा मोटा सामान बेचने के लिए गांव में आती है, उनका प्रवेश निषेध कर दिया था। और इस तरह का ये जो फोटो और वीडियो थे वो व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल हुए और उसके बाद प्रशासन सतर्क में आया। तो आज जो गांव था वहां पे पूरा प्रशासन, तहसीलदार और जो थाना लगता है देहात थाना, वहां की पुलिस फोर्स और प्रशासन वहां पे मौके पर पहुंचा और उन्होंने वहां पे जो इस तरह के बैनर पोस्टर थे उनको हटा दिया है और समझाइश दी गई है कि आप इस तरह से ये काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि इस तरह से ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपने किसी को भी बोल दिया कि इस धर्म के लोग इस गांव में नहीं आ सकते। और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है, जबकि इस तरह के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल हैं जो बोल रहे हैं कि ये पोस्टर हमने लगाए हैं, ये वीडियो हमने लगाए हैं, चाहे वो उस गांव का सरपंच हो या वहां के स्थानीय ग्रामीण हो, वो बोल रहे हैं कि हमने ये पोस्टर लगाए हैं कि यहाँ पे मुस्लिम और ईसाई जो व्यापारी हैं वो इस गांव में प्रवेश निषेध है, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शुक्रिया हरिशंकर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये साफ तौर पर चीजें दिख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई और सरपंच जो कि चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको सब वर्गों का ख्याल रखना चाहिए, वो खुद इस तरीके से वर्गीकरण कर रहा है और समाज के अंदर एक भेद पैदा करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है।